नमस्कार, आज हम बनाएंगे वेज मोमोज। इसको बनाना बहुत सहज है, खाने में तो और भी टेस्टी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और इसका चटनी भी हम आज यहाँ पे बनाएंगे। तो किस बात की देरी, चलिए शुरू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए पहले हमको चाहिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे पत्ता गोभी, गाजर। मैंने सब चीज़ को कद्दूकस करके यहाँ पे डाली हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा पतला पतला करके काटेंगे। उसके अंदर कैप्सिकम डालेंगे, आपके पास जो भी वेजिटेबल आप डाल सकते। उसके बाद अदरक डालेंगे और लहसुन का कुछ टुकड़ा डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहिए तो इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते। घर में बना रहे हैं तो कोई भी चीज़ आप डाल सकते। और प्याज का कुछ पत्ता डालेंगे। सब चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम आप रखिए मीडियम। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। देखिए ऐसे क्रंची हमको रखना है, ज़्यादा हमको यहाँ पे बॉयल नहीं करना है। उसके बाद हम मैदा लेंगे। मैदा मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा तेल। सब चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए उसके बाद हम पानी की मदद से आटा गूंथेंगे। आटा को हमको यहाँ पे ज़्यादा नरम और ज़्यादा सख्त नहीं करना है, जैसे हम पूरी का आटा बनाते हैं ना ऐसे ही। उसके बाद थोड़ा सा तेल देंगे और थोड़ा सा हम इसको मसल लेंगे और इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद हम चटनी प्रस्तुत करेंगे। मैंने पहले से सूखा मिर्च को गर्म पानी में भिगो के रखा था। टमाटर और लहसुन के साथ हम इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते। और स्वाद के अनुसार हम थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कश्मीर का जो मिर्च आता है उसको डाल सकते हैं कलर होने के लिए। इसके बाद हम चटनी में डालेंगे मैगी मसाला एक पैकेट। ये चटनी का सीक्रेट है, ये डालने से आपको बजा जैसे लगेगी चटनी। देखिए यहाँ पे हमारा चटनी अच्छे से प्रस्तुत हो गया है। देखिए ऐसे ही फाइन पेस्ट हमको बनाना है। उसके बाद जो हम आटा रखे थे ना गूंथ के, इसके छोटा छोटा हम लोई प्रस्तुत कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के अब ऐसे ही पतला सा पूरी बेला लेंगे। उसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे और ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहिए तो आपके मनपसंद कोई भी आप शेप दे सकते हैं। घर में बना रहे तो आपके हिसाब से आप शेप दे सकते। देखिए ऐसे को हम ऐसे टप टप कर लेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, हमारा फ्लावर जैसे मामा बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे सब मोमोज हम प्रस्तुत कर लेंगे। उसके बाद एक बर्तन में हम पानी गर्म करेंगे। जब पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके ऊपर एक जाली रखेंगे तेल ग्रीस करके। उसके ऊपर हम एक एक मामा ऐसे रखते जाएंगे। देखिए इसको 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिए। मामा कैसे हो गया हम कैसे जानेंगे, जैसे कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाए तभी हमारा मामा प्रस्तुत हो गया है। यहाँ पे देख सकते मामा का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऐसे चटनी के साथ हम इसको प्रस्तुत करेंगे खाने के लिए। देखिए यहाँ पे चटनी का कलर भी कितना सुंदर आ रही है। आप इसको जरूर घर पे बनाएं। उम्मीद है रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।